एक बार बाल हनुमान सूर्य देव जी को एक फल समझकर उन्हें खाने के लिए चल पड़े थे। हनुमान जी के पिता पवन देव ने जब उन्हें सूर्य देव की तरफ जाते हुए देखा तो वह बहुत घबरा गए थे। वह सूर्य की तरफ जाते हुए अपने पुत्र को रोक नहीं सकते थे, इस कारण उन्होंने अपने पुत्र को सूर्य के तेज से बचाने के लिए शीतल वायु के रूप में अपने पुत्र के साथ बहने लगे थे। और उधर भगवान सूर्य देव जी ने भी जब उस बालक को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने भी अपना तेज कम कर लिया था। जिस समय बाल हनुमान सूर्य देव जी के रथ के करीब पहुंचे थे, ठीक उसी समय राहु भगवान सूर्य देव के ऊपर अपना ग्रहण लगाने जा रहा था। बाल हनुमान की नजर जब उस बगैर धड़ वाले राहु के सर पर पड़ी तो उन्होंने सबसे पहले उसे ही पकड़ लिया था। बालक हनुमान की उस मजबूत पकड़ को देख वह राक्षस राहु बुरी तरह घबरा गया था। फिर उसने किसी तरह अपने आप को छुड़ाया और वहां से डर कर भाग खड़ा हुआ। वह घबराया हुआ राहु भागता हुआ देवराज इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े क्रोध के साथ उनसे बोला कि जब देवताओं ने सूर्य और चंद्रमा को मेरी भूख शांत करने के लिए दिया था, तब आपने उन्हें किसी और के हवाले कैसे कर दिया। राहु के मुंह से जब इंद्र ने यह सुना कि सूर्य देव को कोई दूसरा राहु निगलने के लिए आया है तो वह भी बुरी तरह घबरा गए और अपना वज्र लेकर राहु के साथ चल पड़े। क्रोध और घबराहट में डूबा राहु तेजी के साथ चलता हुआ देवराज इंद्र से पहले ही सूर्य देव जी के पास पहुंच गया। बाल हनुमान ने उस राहु को फिर से आते हुए देखा तो वह उसे पकड़ने के लिए फिर उसकी तरफ दौड़ पड़े। हनुमान जी को अपनी तरफ आता देख राहु डर गया और वापस भागकर देवराज इंद्र की शरण में जाकर बोला कि हे देवराज इंद्र, मुझे बचाओ। तब देवराज इंद्र ने राहु को बचाने के लिए हनुमान जी के ऊपर अपने वज्र का प्रहार कर दिया। देवराज इंद्र के वज्र के घातक प्रहार से हनुमान जी अचेत हो गए और उसी अवस्था में एक पर्वत के ऊपर जा गिरे। जब बाल हनुमान गिरे तो उनकी हनु यानी थोड़ी टूट गई थी। अपने उस टूटी हुई हनु के कारण ही हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा था। जब पवन देव ने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा तो वह बहुत क्रोध में आ गए थे और उन्होंने तीनों लोकों को समाप्त करने के लिए अपनी वायु गति रोक दी थी और अपने पुत्र के शरीर को हाथों में उठाकर एक गुफा में जाकर बैठ गए थे। वायु के रुक जाने के कारण सारे देवता यक्ष गंधर्व परम पिता की शरण में पहुंच गए और उनसे बोले कि पता नहीं क्यों वायु देव ने अपने वायु को समेट कर हमारे साथ साथ तीनों लोगों को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया है। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी से यह बताया कि देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु देव के पुत्र को मार गिराया है, इसी कारण वायुदेव अपने क्रोध में यह सब कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए सारे देवताओं को लेकर उस गुफा में जाते हैं जहां वायुदेव अपने पुत्र के शरीर को अपने हाथों में लेकर विलाप कर रहे थे। परमपिता ब्रह्मा को देख पवन देव उनके चरणों में गिर गए और अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पुनः जीवित करते हुए सारे देवताओं से यह कहा कि इस बालक के द्वारा भविष्य में देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः आप सभी लोग इस बालक को वरदान दो। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए और ब्रह्मा जी ने उन्हें दीर्घ आयु होने के साथ साथ सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से भी अवध होने का वरदान दे दिया था।